हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ अब सूबे के बच्चों को संस्कारी शिक्षा कैसे दी जाए, इस दिशा में भी शिक्षा बोर्ड ने एक कदम और आगे चाल चल दी है। शिक्षा बोर्ड की ओर से अब हर स्कूलों से सुबह की सभा में कुल गीत बजाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हिमाचल के पर्यावरण और इस प्रदेश की खूबसूरती समेत यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत कुछ प्रार्थनाएं भी शिक्षा बोर्ड ने तैयार की हैं, जिन्हें इस बार के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जरिए शिक्षा बोर्ड रिलीज करेगा। इसके साथ शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने ये भी फैसला लिया है कि अब प्रदेश की दूसरी राजभाषा संस्कृत में भी शिक्षा बोर्ड के दस्तावेजों और पत्रों को निकाला जाए। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की माने तो इससे पहले शिक्षा बोर्ड ही नहीं समूचे प्रदेश में सरकारी विभाग महज अंग्रेजी और हिंदी में ही अपने दस्तावेजों और पत्रों को निकाला करते थे, मगर अब शिक्षा बोर्ड एकमात्र ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है जो पहली मर्तबा तीनों भाषाओं में अपने पत्रों को निकालेगा। इसके साथ ही डॉक्टर सोनी ने कहा कि शिक्षा बोर्ड प्रदेश के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जो बन पड़ता है करने का भरोसा प्रयास कर रहा है ताकि हिमाचल का भविष्य और भी सुनहरा हो सके। अभी हमारा स्कूलों से संबंधित कोई कुलगीत नहीं था, तो इसके ऊपर विचार किया गया कि पाठशालाओं में पूरे हिमाचल में कुलगीत बजे, और इस कुलगीत में जो वर्तमान की शिक्षा नीति है वो किस प्रकार की है, इस बात का भी उसमें पूरा जिक्र है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य के ऊपर भी, हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर, और शिक्षा नीति किस प्रकार से प्रतिभा का परिष्कार करती है, कैसी शिक्षा नीति चाहिए, इन सब बातों को लेकर एक कुलगीत का निर्माण किया जा रहा है जो पूरे विद्यालय में बजेगा। इसके साथ साथ कुछ प्रार्थनाएँ जो थीमेटिक हैं, पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें, पेड़ों का क्या महत्व है, सच बोलने की राह पर चलना चाहिए, और हिमाचल बंधन मेरे हिमाचल, यानी जिस प्रदेश से हम उसका बंधन करते हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष के वासी हैं, तो भारतवर्ष के वासी होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं तो इसका भी हमें गौरव है, तो इसके ऊपर भी एक प्रार्थना बनाई गई है जो कि बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रवास पे आएंगे और बोर्ड को कार्यक्रम मिलेगा तो उस वक्त ये सारा रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कि कुलगीत भी होगा, विद्यालय कुलगीत भी, और प्रार्थनाएं, इसके ऊपर काम चल रहा है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड एक ऐसा पहला संस्थान बना था जिसने कि संस्कृत, जो कि राज्य के द्वारा दूसरी भाषा ऐसा घोषित कर दिया गया है राजभाषा, तो जो न्यूज़लेटर है वो तीन भाषिया बनाने वाला पहला इंस्टीट्यूशन बोर्ड हुआ है। तो तीन भाषिया न्यूज़लेटर हमने पहला निकाल दिया, दूसरा न्यूज़लेटर भी हम निकालने वाले हैं। और जितनी भी बोर्ड की गतिविधियां थी, कोविड काल में भी हमारी गतिविधियां सामान्य तौर पर चली, बड़े सावधानी के साथ हमने चलाया, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता था उससे बहुत कम, यानी 50-60 ह्यूमन रिसोर्स के साथ दिन रात काम करके रिजल्ट, चाहे सामान्य रिजल्ट जो था वो हमने निकाले, समय पर निकाले। पुस्तकों का वितरण भी इसके लिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशंसा की गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट की पुस्तकें भी कोविड काल में समय रहते हर एक बच्चे के हाथ में पहुंचा दी है। तो ये सारा अन्य जो टेस्ट हैं, चाहे टेट का टेस्ट है, चाहे DLED है, ये सामान्य गतिविधियां हमारे बिना रोक टोक के, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, और ये सारी हमने बोर्ड जो है वो सामान्य तौर पर कार्य कर रहा है।